गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉलिनेशन से हम लोग आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनमें क्या होता है कि इन एंजियोस्पर्म के केस में जो मेल गैमीट है उसका एग सेल से फ्यूजन जो है वो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में ये फर्टिलाइजेशन यहीं पे पूरा नहीं होता है क्योंकि उसमें दो मेल गैमीट बनते हैं। तो ये प्रोसेस हम आपको आगे समझाएंगे। पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या है वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का फ्यूजन। बच्चों याद करिए, जब हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ाया था, तभी बताया था कि ये जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पर जो पहुंचने से पहले जो एंथर हैं उनमें ये टू सेल स्टेज में होते हैं। इस तरह की संरचना होती है जिसमें जो एक सेल है वो वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहलाती है और दूसरी सेल जनरेटिव सेल कहलाती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन किस अवस्था में रिलीज होते हैं एंथर से। तो एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में एंथर से रिलीज होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं बच्चों, ये देखिए ये टीएलएस है फ्लावर का, जिसमें कि ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन देखिए पहुंचे हुए हैं और इनमें जर्म ट्यूब बनती है। तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो स्टिग्मा पर उपस्थित जो सूगरी पदार्थ है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये उसको एब्जॉर्ब करने से ये स्वेल होते हैं, फूल जाते हैं और इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन क्या होता है, आपको हमने जब पॉलन ग्रेन की संरचना बताई थी तो बताया था कि जो पॉलन है उसमें जगह जगह पर जर्म पोर होते हैं। ये जर्म पोर क्या है, इन जर्म पोर जहां जहां पर है वहां पे एग्जाइन एब्सेंट है, केवल और केवल इंटाइन होती है। तो यहां से जर्म पोर से एक ट्यूब निकलती है जो इंटाइन है, वही एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आती है, ठीक है। और ये जो है इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब जब स्टिग्मा पर पॉलन पहुंचा उसके बाद ये स्टाइल के अंदर बढ़ने लगती है। ये देखिए स्टाइल के अंदर ये प्रवेश करने लगती है। तो जर्म ट्यूब निकलती कहाँ है, जर्म पोर से, और ये चूंकि पॉलन को कैरी करती है एम्ब्रियो सैक तक, इसीलिए इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। जनरली होता क्या है कि एक ही पॉलन ट्यूब बनती है, एक पॉलन में एक ही पॉलन ट्यूब बनती है, लेकिन कुछ पॉलन ऐसे हैं जहां पर मोर देन वन पॉलन ट्यूब भी बनती है, जैसे मालवेसी है, कुकरबिटेसी है। ये वो फैमिलीज हैं जिनमें एक से अधिक पॉलन ट्यूब बनती है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये स्टाइल की लंबाई के अनुसार स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। ये देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है, ये ओव्यूल है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ से होते हुए ये आपके एम्ब्रियो सैक तक पहुँचती है, ओव्यूल तक पहुँच जाती है। अब जो स्टाइल है ये अपनी संरचना के आधार पे तीन तरह की होती है, ओपन स्टाइल, हाफ क्लोज स्टाइल और क्लोज स्टाइल। ओपन स्टाइल में क्या होगा कि पॉलन ट्यूब आराम से ये ट्यूब की तरह अंदर संरचना होती है जिसमें बढ़ती जाती है, इसको कोई भी बीच में रुकावट नहीं आती है। हाफ क्लोज स्टाइल में कहीं कहीं पर इसमें टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज से होकर के पॉलन ट्यूब बढ़ती है आगे। क्लोज स्टाइल में कहीं पर भी ट्यूब नहीं होती है, जो इसकी सेल्स होती हैं उनके बीच जो इंटरस्टेलर स्पेसेज होते हैं उन्हीं से होते हुए पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती है। तो इस तरह की स्टाइल क्लोज टाइप की स्टाइल होती है। अब बच्चों जो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, अब देखिए जो पॉलन ग्रेन था आपका ये आगे जर्मिनेट किया, ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ आ गया। अब बच्चों
जो जर्म सेल थी, इसका न्यूक्लियस यहीं पर डिवाइड होता है और दो मेल गैमेट्स बनाता है, यानी कि जर्म सेल जो थी उसका जो न्यूक्लियस था, जर्म न्यूक्लियस, वो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ और ये दोनों दो मेल गैमेट्स के रूप में होते हैं। अब ये पॉलन ट्यूब स्टाइलस से होते हुए सीधे पहुंच जाती है ओव्यूल के माइक्रोपाइल के पास, यहाँ पर पहुंच जाती है और इसके बाद यहीं पर ये जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस था, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, दो मेल गैमेट या इन्हीं को स्पॉर्म कहते हैं। अब बच्चों, जो एंट्री है पॉलन ट्यूब की, इस पॉलन ट्यूब की एंट्री के आधार पे हम लोग जो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री है ये कैसे होगी एम्ब्रियो शैक में, इसके आधार पे हम लोग इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पोरोगैमी। देखिए, जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से आकर के माइक्रोपाइल से इंटर करती है एम्ब्रियो शैक के अंदर, तो हम लोग इसको पोरोगैमी कहते हैं। जब यह चला पॉलन ट्यूब आकर के यहाँ से चलाजल एंड से एंट्री करती है एम्ब्रियो शैक के अंदर, तो हम लोग इसको चलाजोगैमी कहते हैं। चलाजोगैमी कैसुराइना में होती है और पोरोगैमी बहुत ही कॉमन है, ये ज्यादातर पौधों में पोरोगैमी होती है। मीसोगैमी क्या है? जब ये पॉलन ट्यूब, ये जो इंटेगुमेंट है, इनसे हो करके यहाँ पर एम्ब्रियो शैक में एंट्री करती है, तो इस तरह की कंडीशन मीसोगैमी कहलाती है। तो पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो शैक में एंट्री के हिसाब से उसकी जो पॉलन ट्यूब किस पोजीशन से इंटर करेगी, इसके आधार पे हम लोग इसको तीन भागों में बांटते हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीसोगैमी। When the pollen tube enters in the embryo sac through the micropyle, this is known as porogamy. When the pollen tube enters in the embryo sac through the chalaza, this is known as chalazogamy and frequently found in casuarina. The mesogamy, when this pollen tube enters into the embryo sac through the integument, जब ये integument से entry करती है तो इसको mesogamy कहते हैं। आप कुकर बिटा जानते हैं, उसमें मेजोगैमी होती है। अब डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट, जब ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो शैक में एंट्री कर गई, तो ये जो दो मेल गैमेट बने हैं, अब ये कैसे यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे, इनके डिस्चार्ज होने की विधियां तीन हैं। फर्स्ट इज जो पॉलन ट्यूब का अपेक्स है वहां पर पोर बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा, और उस छिद्र से दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो शैक के अंदर रिलीज हो जाएंगे। सेकंड है, पॉलन ट्यूब अपने अपेक्स पे बर्स्ट हो जाएगी। जो पॉलन ट्यूब है उसका टिप, उसका जो अगला सिरा है, वो एम्ब्रियो शैक में पहुंच करके फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और ये रिलीज हो जाएंगे, दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो शैक के अंदर रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से इसको जो है हम लोग, थर्ड जो है, जो पॉलन ट्यूब है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और ये अंदर पहुंचेगी एम्ब्रियो शैक के अंदर, और दोनों पार्ट, दोनों टिप्स पे पोर बनेंगे और वहां पर से दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से मेल गैमेट के रिलीज होने की, पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट्स के रिलीज होने की जो विधियां हैं वो तीन हैं। या तो पॉलन ट्यूब के ऊपर पोर बनेगा, या तो ये बर्स्ट हो जाएगी, या तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर उपस्थित जो सुगरी पदार्थ है इसको एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और इनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन कैसे होता है? जो पॉलन ग्रेन की एग्जाइन है वो कुछ प्लेसेस पे एब्सेंट होती है, उस प्लेस को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर से जर्म ट्यूब निकलती है और ये जर्म ट्यूब कुछ नहीं, इंटाइन का एक्सटेंशन है जो अब आगे लगातार बढ़ती जाएगी। जनरली बच्चों होता क्या है कि स्टिग्मा पर कई सारे पॉलन जर्मिनेट करते हैं, लेकिन फाइनली एक ही पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो शैक तक पहुंचती है। जब ये
आगे बढ़ जाती है, एम्ब्रियो सैक तक प्रवेश कर जाती है, तो बाकी का जर्मिनेशन रुक जाता है। अब इंटाइन से जो जर्म ट्यूब, यहाँ से जो जर्म ट्यूब निकली, इससे ये पॉलन ट्यूब के रूप में अंदर जाती है। कभी कभी एक ही पॉलन ट्यूब बनती है और कभी कभी एक से अधिक पॉलन ट्यूब बनती है, जैसे मालवेशी है, कुकरमेटेसी है। अब जब पॉलन रिलीज हुआ था कहाँ से, एंथर से, तो ये टू सेल स्टेज में था। अब यहाँ पर ये आगे जब बढ़ता है यहाँ तक एंट्री होती है, तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे है और जो जर्म सेल का न्यूक्लियस है, ये देखिए ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है और दो मेल गैमेट बनता है। बच्चों, जो पॉलन ट्यूब है इसकी लंबाई स्टाइल के अनुसार होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ही फाइनली ओव्यूल तक पहुंचती है। और ये जो स्टाइल है ये तीन तरह की है, ओपन स्टाइल, हाफ क्लोज स्टाइल, क्लोज स्टाइल। जब इसमें क्या होगी, नली होगी, तो वो ओपन स्टाइल होती है। जब इसमें कहीं कहीं पर टिश्यूज होते हैं जो पॉलन ट्यूब को रुकावट डालते हैं, तो वो हाफ क्लोज स्टाइल होगी। कभी कभी पर यहाँ पे कोई भी पैसेज नहीं होता है और पॉलन ट्यूब जो सेल्स होती हैं उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस से होते हुए एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है, तो ये कंडीशन बच्चों क्लोज स्टाइल होती है। अब जो पॉलन ट्यूब है ये कैसे एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगी, तो पॉलन ट्यूब की ओव्यूल जो है इसमें एंट्री के हिसाब से इसको तीन भागों में बांटते हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मेसोगैमी। पोरोगैमी में पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, चलाजोगैमी में पॉलन ट्यूब चलाजल एंड से एंट्री करेगी और मेसोगैमी में ये इंटेगुमेंट से एंट्री करती है। अब जो पॉलन ट्यूब है इससे जो मेल गैमेट है इनके डिस्चार्ज के आधार पे भी पॉलन ट्यूब जो है ये तीन तरह से मेल गैमेट को डिस्चार्ज करती है। या तो ये ऊपरी इसके अपेक्स पे पोर बनेगा, या तो ये इसका अपेक्स बर्स्ट होगा, या तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा और दोनों भाग से एक एक मेल गैमेट रिलीज होंगे। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि कैसे पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद ये स्टिग्मा पे इनका जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री आपके ओव्यूल तक एम्ब्रियो सैक हो गई है। अब नेक्स्ट आगे हम लोगों को फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन बच्चों बहुत ही स्पेसिफिक होता है इन एंजियोस्पर्म में और इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ दो मेल गैमेट बने, एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, इसीलिए एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।